आप मुझे बता दो कितने हुए, मैं आपको पे कर दूँ। कोई नहीं, 10 रुपए दे दो। कितने? 10 रुपए दे दो बस। आप तो बहुत घुमाया मैंने, सॉरी। कोई बात नहीं, ये बहुत कन्फ्यूजन था मेरे लिए। आप देख सकते हो हमारे टोटल जो बने 11 रुपये बने, और ये लौंडा 1 रुपये भी नहीं दे रहा था, मतलब सिर्फ 10 रुपये में निपटा रहा था। तो मैंने चेंज निकाले जेब से 9 रुपये और दिए इसको। बंदे के मन में था कि 10 रुपये दे वापस, पर क्यों भाई साहब, जब तू नहीं दे सकते तो हम भी नहीं दे सकते। बोला था ना, मतलब लड़कियाँ 39 है तो 39 ही करेंगी, 40 नहीं करेंगी भाई साहब, 1 रुपया भी फालतू नहीं देंगी। मास्क में सेल्फी ऐसे लूंगा मैं, ऐसे ले, ऐसे में पता नहीं चलेगा इसको मेरा मास्क पहन रखा है कि नहीं पहन रखा। वो ऐसे लटका दो इस पे। हाँ जी, इस पे लटका दो, उसका लॉक टूट गया। टूट गया, इस पे लगा लो आप एक बार, इधर इधर लटका दो इस पे। इधर लगा लो, नहीं ना लगा के सिर्फ ऐसे कर दो, ये बस चल जाएगा। मतलब तुम्हें मजेदार बात बता दो, मतलब हद होगी यार, मतलब रैपिडो यार अपना ऐप तो ठीक करो ढंग से कम। ये देखो क्या दिखा रहे हैं यहाँ पे, 2 रुपये। लगभग 4 किलोमीटर दूर लाया हूँ मैं इनको, ये यहाँ पे दिखा रहे हैं 2 रुपये। हद होगी यार, मतलब रैपिडो हद होगी यार, ये ऐप में मतलब ग्लिच बहुत आता है इस ऐप में, 2 रुपये यार। हद होगी, वो भैया भी हंस गए यहाँ पे भाई। टू रुपीज़ नहीं है जी, और मतलब मैम ने दिल तोड़ दिया यार, 2 रुपये के लिए भी मैम ने ऐसे किया जैसे पता नहीं कितने रुपए छूट गए होंगे। इतना तो चलता है यार, बोला था फ़ोन पे कर लो, 28 कर लेना, चलो मैम के पास थे नहीं तो मैंने चेंज दिए, मेरे पास थे 2 रुपये, पर क्यों दें हम, लड़कियों के साथ तो करने ही है। मतलब लड़कियाँ 1 रुपया देने के लिए भी ऐसा सोचती हैं कि मतलब पता नहीं क्या दे दिया, एक गलत बात है भाई, थोड़ा हमारा भी देखना चाहिए ना। तुम्हारी क्या राय है इसमें ज़रा बताओ मेरे को कमेंट में। स्कूटी पे आगे स्पेस है सर, बैग बुक रखने के लिए है क्या मैम आपके पास सामान? मेरे पास तो एक बस बैग है, थोड़ा सा मीडियम साइज है, ज्यादा। हाँ वीडियो पा रहा हूँ मैं, बंदे करे वाला जी, और नीचे मार जी। मैंने कहा मेरे पैर थका दिया आपके बैग ने, पेटीएम है कि फोन पे? नहीं मैं नहीं, कोई और करेगा। फोन पे है मेरे पास, फोन पे। हाँ जी, फोन पे। फोन पे, गूगल पे नहीं है? नहीं गूगल पे नहीं। आप नंबर कितने हुए सर? 145 में गूगल पे। एक मिनट, आपके पास गूगल पे नहीं है? अच्छा रुको, गूगल पे है तो मेरे पास, देखता हूँ मैं इसमें, रुक जाओ देख रहा हूँ। नहीं आया आपके पास? हमारी राइड पूरी हो चुकी है यहाँ पर, और 145 रुपये बने टोटल, किलोमीटर था वो 15 किलोमीटर था, तो 15 किलोमीटर के हिसाब से 145 बहुत ही ठीक है। और यहाँ पे थोड़ा देर लग गया है क्योंकि मैडम को बाइक चाहिए थी, लेकिन उनको पता नहीं था कि वो सामान आराम से स्कूटी के आगे भी आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने मैम को ड्रॉप कर दिया है। वो एग्जैक्ट कहाँ पे जाना है यार? अंदर ही जाना, मेरे को एग्जाम देने। अच्छा एग्जाम चल रहा है इधर, पूछता हूँ मैं किसी को। एक्सक्यूज मी मैडम, यहाँ एग्जाम कहाँ पे चल रहा है? अभी मुझे तो पता नहीं, मैं अभी फर्स्ट टाइम पे आई हूं। अच्छा ठीक है मैम। ए भैया जी, बीच रोड में है, पलक मैम की है ये, पलक मैडम की, दिल में मतलब लड्डू फूटा। तो चलो अब मतलब आज के दिन में पहली बुकिंग है जो किसी लेडीज़ की आई, तो सही है, चलो लेडीज़ को बिठा के राइड कराएंगे, और थोड़ा भावनाओं को समझो, अच्छा लगता है यार जब लेडीज़ बैठी, हम सिंगल आदमी हमारे पीछे कोई लेडीज़ बैठे तो अच्छा लगता है, फील अच्छा आता है, समझ सकते हो आप। तो अब पलक मैडम को छोड़ते हैं उनके डेस्टिनेशन पर, चलिए। वो आपके भाई के साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया, मतलब ओ माय गॉड यार ये क्या हो गया, ये उम्मीद नहीं थी मुझे। यहाँ पालक नहीं, यहाँ तो पोलक आ गया, पोलक। हद होगी यार, मतलब ऐसा इनकी बेटी ने शायद मतलब बुकिंग कराई होगी ना इनकी, इनका ये सामान भी है नीचे पे,
हंसी आ रही यार मुझे इस टाइम, किसको बताऊं मैं, छोड़ो आपको मैं सीधे आज, मतलब मुझे लग रहा है मेरा डे ही नहीं है आज, अच्छा दिन है ही नहीं कि कोई लड़की हमारे पीछे से बैठे। लास्ट में मिलता हूं मैं आपको इनकी ड्रॉप लोकेशन पे पहुंच के। धोखा भाई साहब, तुम्हारे भाई के साथ आज धोखा हुआ है। हालांकि बुकिंग पे यहाँ पोलक आ गया, हद हो गई यार। क्या बताऊँ, किसको बताएं अपना दुख दर्द। तो चलो आप देखते हैं कौन सी बुकिंग मिलती है। कहाँ का, इधर का कौन सा है? नहीं, बल्टाना वाला तरफ जाना है या 19 वाला तरफ जाना है? मैम कौन सा वाला, 19 साइड वाला फाटक तो है वहाँ ओवरब्रिज के पास, बल्टाना वाला है यहाँ पे, वो वहाँ से बटाना बटाना निकल गई, वो मोड जो है ना, हाँ रोड जा रहा है, रोड निकल गई तो फाटक चल गया। 53 मैम, 53 53 5 रुपीज चेंज नहीं है मैम, चेंज नहीं है, ओके मैम वेलकम। अभी हम नया गांव पहुंच चुके हैं, 3 मिनट लगे मुझे बस, ज़्यादा कुछ तो लगा नहीं टाइम। और ऑटो के पीछे पे यहाँ पे सिलेंडर वाली गाड़ी है, वहाँ पे भैया जी सिलेंडर बना रहे हैं, तो हम यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना चार्ज बना इनका। तो 2 किलोमीटर था बस, ज़्यादा नहीं था, 31 रुपये चार्ज पड़ा है, तो 31 जाने का भी टोटल हो रहा है 62, तो 70 लेंगे हम, इतना तो भैया खुद ही दे देंगे, बोलने की आवश्यकता नहीं है ये चीज़। तो ये भाई साहब यहाँ पे आ चुके हैं, तब इनका सिलेंडर फिर से आगे रखते हैं, अब थोड़ा भरा हुआ है, लोड ज़्यादा पड़ा है, पर चलो कोई बात नहीं, अब क्या करें, इंडिया है भाई साहब, भाईचारा वाली सीन तो चलता ही है ना, तो यहाँ पे रखेंगे इसको आराम से और फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई साहब भैया के घर का रोड देख सकते हो, इतना ऑफ रोडिंग आज आपके भाई ने बहुत सारी ऑफ रोडिंग कर दी। चलो कोई नहीं, बस पहुंचने वाले हैं हम इनके घर पे। भैया जी अभी अपने जेब से नोट निकाल रहे हैं, तो हम हेलमेट रख देते हैं अपना यहाँ पे टांकने के लिए, और नोट गिन रहे हैं भैया, एंड आई थिंक 70 ही देंगे, तो देखते हैं कितने देते हैं, वरना मैं तो बिल्कुल बोलता है यहाँ पे कि भैया 10 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे आपको, तो ये 30-40 रुपये 70 दिए हैं भैया ने, चलो बढ़िया है। चाय पीने के लिए बोल देते भैया, लेकिन मैंने मना कर दिया, तो भैया ने बातें बहुत की वैसे मेरे साथ बीच में, क्या करते हो वगैरह वगैरह, तो ये सब सही लगता है रैपिडो में, थोड़ा सा अपनापन जैसा फील होता है ना, तो चलो एक तो चलिए फिर अब इनको राइड दिलाते हैं। इनकी राइड काफ़ी दूर की है वैसे, 10 किलोमीटर आ रहे हैं लगभग, तो देखते हैं इनका कितना बनता है। इनको किसी कॉलेज में जाना है क्योंकि आज पेपर है, तो इसलिए जल्दी बोल लिया है चलने के लिए, लेकिन हम तो जल्दी नहीं चलते भाई, हम तो आराम से चलेंगे माले निकाल निकाल के बाइक से। तो ये हम पहुंच चुके हैं कॉलेज की ओर, यहाँ पे वैसे काफ़ी भीड़ लगी है यार, आई थिंक आज यहाँ पेपर है इसलिए इतनी भीड़ है, मतलब भाई साहब लोग ही लोग हैं इधर। तो इनका 78 रुपीज़ बन चुका है मैम का, तो मैम को यहाँ पर ड्रॉप करते हैं, 78 रुपीज़ मांगते हैं, 80 देंगी ये नॉर्मल सी बात है, तो लगा लो आप 10 किलोमीटर का 80 बना। और मुझे सबसे अच्छी बात लगती है, अब यहीं से मुझे कोई ना कोई राइड मिल जाएगी, मुझे वापस नहीं जाना पड़ेगा, तो ये चीज़ का आप ख्याल रखो, ये चीज़ मुझे इसमें बेटर लगी है। तो यार यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू आ गया, इसलिए मैम ने कैश दिया है, तो मैं इनको दूंगा कैश। और रियल में मैं आपको एक बात बताता हूँ, मेरे पास 2 रुपीज़ हैं रियली में हैं, लेकिन मैं दूंगा नहीं इनको, क्योंकि भाई साहब भी तो बनाएंगे ना थोड़ा बहुत अपना, तो चलो इनको 2 रुपीज़ नहीं दूंगा मैं। वैसे मैं मांग रही थी, बोली थी चेंज नहीं है क्या, मैंने कहा नहीं मैम चेंज नहीं है, आपके पास नहीं है तो मेरे पास कहाँ से होंगे, भाई साहब क्यों दे, इतना तो बनता है ना। ये देखो मैम यहाँ पे गिन लिए, और मैम कहती है फिर यहाँ पे 2 रुपीज़ कहाँ है, तो मैंने कहा चेंज नहीं है, तो मैम ने मान गई और चली गई, चलो बढ़िया है। तो चलिए फिर अपनी नेक्स्ट बुकिंग का इंतज़ार करते हैं। चुका हूँ और मैम आ चुके हैं यहाँ पे, चलो OTP मांगते हैं इनका, तो OTP लिख रहा हूँ मैं, देन देखते हैं इनकी राइड कहाँ है। इनकी राइड बहुत ही नज़दीक है, तो चलो कोई नहीं, हेलमेट तो इनको देना नहीं है क्योंकि लेडीज़ को वैसे भी हेलमेट की ज़रूरत नहीं होती है। तो मैम बैठ चुकी हैं, तो चलो अब राइड पे चलते हैं, फिर ले जाते हैं इनको अपनी डेस्टिनेशन तक। दोस्तों यहाँ पे थोड़ा दिक्कत आ गई है, दिक्कत ये आई है कि मैम के पास है गूगल पे और मेरे पास है फ़ोनपे, तो उनके गूगल पे से मेरे फ़ोनपे पे नहीं हो पा रहा है, कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, और इनके पास कैश भी नहीं है। तो अब पेमेंट कैसे होगी, इनकी 31 की 33 रुपीज़ की इसकी पेमेंट है, और कैसे होगी, तो ये बोले गूगल पे है नहीं आपके पास, मैंने कहा नहीं है गूगल पे, तो मैम का कहना है कि इनकी कोई फ्रेंड है वो भी आ रही है, ये मैम भी पेपर देने ही जा रही हैं, तो ये बोलेंगे इनकी फ्रेंड है और वो आ रही हैं, लेकिन उन्होंने फ्रेंड को कॉल किया तो फ्रेंड ने भी कहा कि मेरे पास कैश नहीं है गूगल पे ही है, तो यहाँ पे थोड़ा दिक्कत हो गई यार। तो मैम को भी दिक्कत हो रही है, इनको भी लेट हो रही है, पर क्या करूँ, मुझे भी तो पैसे लेने हैं ना। तो अभी यहाँ पे एक बार कोड रहता है किसका, रैपिडो का, लेकिन मैं उससे नहीं कराना चाहता, दिक्कत ही है, उससे हो जाएगा मुझे पता है इजीली, लेकिन उससे दिक्कत ही हो जाती है कि कंपनी अपना भी थोड़ा बहुत लेगी, और अगर ये ऐसे मेरे को देती है तो 30 का 33 मुझको मिलेगा, तो ये फ़ायदा होता है। तो लास्ट में मैंने इनको उसी बार कोड से कराया क्योंकि उनको भी लेट हो रहा था यार। तो